गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं सुखदेव गिलहरी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग इसके तीन वीडियो लेक्चर है वो बना चुके हैं, यानी कि हमने दक्षिण अमेरिका की स्थिति, इसकी सीमाओं के बारे में पढ़ा था, यहाँ के प्रमुख पठार, पर्वत और मरुस्थलों के बारे में पढ़ा था, और इसकी जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका की नदियां और झीलों के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख खनिज जो कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी कि खनिजों में वर्ल्ड में इनका किस देश का स्थान आता है, और इसके अलावा कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख फसलों की जिनके उत्पादन में दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों का नंबर आता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खनिज यानी मिनरल्स। खनिज यानी मिनरल्स, दक्षिण अमेरिका के खनिजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाहे वो विश्व स्तर के ऊपर किसी भी महाद्वीप की या किसी भी देश की बात, सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज होता है वो होता है आयरन ओर या लोह अयस्क, लोहा। अब लोहा अयस्क की हम लोग बात करें कि इसमें, यानी कि दक्षिण अमेरिका में लोहा कहां पाया जाता है या कौन सा देश है जो कि वर्ल्ड लेवल पर अग्रणी है इसके डिपोजिशन या इसके प्रोडक्शन के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोहे की जो भंडार है, विश्व में लोहे के भंडारों की अगर हम बात करें कि किस देश में भंडार ज्यादा है। लोहे के भंडारों में दुनिया में नंबर एक स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील। लोहे के भंडारों की दृष्टि से दुनिया में दूसरा स्थान है ब्राजील का। और अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की या उत्पादन की कि दुनिया में लोहे के उत्पादन में किस देश का अग्रणी स्थान है, तो इसमें टॉप पर आता है चीन। विश्व में सर्वाधिक लगभग 40% लोहे का उत्पादन चीन करता है। चीन के बाद में दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में, और नंबर तीन जो आता है वो आता है ब्राजील। चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील दुनिया के तीन अग्रणी लोहा उत्पादक देश है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्राजील दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक है और ब्राजील भंडारों में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी कि भंडारों में ब्राजील का क्या है, दूसरा स्थान है। आप लोग यहां पर याद रख सकते हो सी ए बी के, सी से चाइना, ए से ऑस्ट्रेलिया और बी से ब्राजील, यानी कि लोहा उत्पादन में केब, ये तीन प्रथम देशों के नाम है। ए बी भंडारों में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ए बी ये दोनों अग्रणी हैं। तो लोहे के उत्पादन और भंडारों की दृष्टि से दुनिया के ये कुछ देश हैं। भंडार में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार, फिर ब्राजील में पाए जाते हैं। उत्पादन में चीन पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, ब्राजील तीसरे और इंडिया चौथे नंबर पे आते हैं। अब हम लोगों ने ये तो बात कर दी कि लोहा अयस्क जो है उसके उत्पादन में और भंडारों में ये स्थान है ब्राजील का, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि ब्राजील में कहां पाया जाता है लोहा। तो हमने पठारों में पढ़ा था कि जो ब्राजील का पठार है वो लोहे के भंडारों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, और ब्राजील के पठार में एक प्रमुख क्षेत्र है इसका, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था मिनास जिरास। इसका एक प्रांत है मिनास जिरास, मिनास जिरास प्रांत। यह प्रांत जो है वो लोहे के भंडारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे भारत में कुछ स्थान है, कर्नाटका में जैसे बाबा बुद्धन और कुदेरमुख की पहाड़ियां है, या जैसे छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की पहाड़ियां है, ये कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र है लोहे के। इसी प्रकार से मिनास जिरास प्रांत जो है ब्राजील का, ये लोहे के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ये तो बात है कि लोहा अयस्क के भंडारों और उत्पादन की। इसके बाद में कुछ और प्रमुख खनिज जो यहां पर पाए जाते हैं उनकी हम बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं तांबा यानी कि कॉपर। तांबे की दृष्टि से अगर हम बात करें कि दुनिया में तांबे की सर्वाधिक भंडार और उत्पादन कौन सा देश करता है, तो यहां पर एक देश है चिली। इस देश का नाम है चिली, ये देश है चिली।
इसकी राजधानी का नाम है सेंटियागो। चिली जो देश है यह कॉपर यानी कि तांबे के उत्पादन और भंडार दोनों दृष्टि से दुनिया में पहले स्थान पर है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश तो वो है चिली। उत्पादन एवं भंडार दोनों दृष्टि से एक ही देश का नाम आता है चिली का। दुनिया में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है चिली और दुनिया में तांबे के सर्वाधिक भंडार है वो भी कहां पाए जाते हैं? चिली में पाए जाते हैं। अब चिली में ये तो बात होगी अगर सीधा ही देश पूछ ले कि किस देश में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, कौन सा देश सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये तो बात होगी। लेकिन एक शहर है इसका जो कि तांबे की खानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जिसका नाम है चुक्विकमाटा। एक नगर है जिसका नाम है चुक्विकमाटा या इसको कहते हैं चिक्विकमाटा। चिक्विकमाटा जो नगर है यह तांबे के खानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है या कॉपर सिटी बोलते हैं इसको, तांबा नगर। तो ये जो है वो चिक्विकमाटा नगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो तांबे की अगर हम बात करेंगे तो चिली देश आएगा, चिली में चिक्विकमाटा नगर जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम बात करते हैं चांदी की, तांबे के बाद में चांदी। नेक्स्ट जो खनिज है वो है चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी के उत्पादन और भंडारों की अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में कौन सा देश अग्रणी है तो इसमें अग्रणी देशों में उत्पादन और भंडारण में जिस देश का नाम आता है वो है मेक्सिको। मेक्सिको जो है ये दुनिया में उत्पादन चांदी के उत्पादन और चांदी के भंडारों की दृष्टि से पहले नंबर पे। इसके बाद में दूसरा जो देश है, नंबर दो जो देश है उसका नाम है पेरू। अब ये यहां पर एक देश है इसका नाम है पेरू, इसकी राजधानी है लीमा। पेरू जो देश है वो दुनिया में चांदी के उत्पादन और भंडारों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो चांदी की दृष्टि से पेरू इंपोर्टेंट है और तांबे की दृष्टि से चिली इंपोर्टेंट है, यानी कि चांदी और तांबा दोनों में इन देशों का जो स्थान है वो दुनिया में अग्रणी देशों में आता है। तो वैसे अगर पूछ ले चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो मेक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वो करता है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? पेरू है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहाँ है? तो वो है चिली। ये तो बात होगी इसकी तांबे की। इसके बाद में अन्य जैसे खनिजों में हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम या इसको बोलते हैं खनिज तेल। पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें कि पेट्रोलियम के उत्पादन और भंडारों की हम बात करें तो हम लोगों ने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम उत्पादन में वर्तमान में दुनिया में अग्रणी जो देश है वो इस प्रकार है। उत्पादन में हम अगर बात करें तो यूएस से अग्रणी चल रहा है वर्तमान में। देखो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन में पहले रूस आगे था, फिर सऊदी अरबिया आ गया, अब यूएसए चल रहा। हो सकता है कुछ समय बाद में फिर सऊदी अरब आगे आ जाए। तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव ये टॉप देश है तीन इनमें होते रहते हैं, यूएसए, सऊदी अरब और रूस में। ये दुनिया के तीन अग्रणी पेट्रोलियम के उत्पादक देश है, यानी कि जो पेट्रोल जो होता है या खनिज तेल होता है उसका वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए कर रहे हैं। इसके बाद में सऊदी अरब है और इसके बाद में है रूस। इसके अगर हम लोग भंडारों की बात करें, अब इंपोर्टेड क्या है, वेनेजुएला का नाम यहां पर नहीं आ रहा है उत्पादन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम भंडारों में अग्रणी देश नहीं है, उत्पादन में अग्रणी नहीं है, लेकिन इसका जो स्थान आता है वो भंडारण में अग्रणी देशों में आता है। अब हम लोग पेट्रोलियम के भंडारों की बात करें कि दुनिया में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, तो यहां पर एक देश का स्थान आता है। ये एक देश है यहां पर
इसका नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला। इसकी राजधानी का नाम है कराकस। वेनेजुएला भंडारण में दुनिया में एक नंबर पे आता है। इसके बाद में आता है सऊदी अरब। पेट्रोलियम के भंडारण में दुनिया में अग्रणी अगर कोई देश है वर्तमान में तो है वेनेजुएला। विश्व में पेट्रोलियम के या खनिज तेल के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, लेकिन इसके उत्पादन में सॉरी जो पहला नंबर है वो है यूएसए का और भंडारण में दूसरा नंबर है सऊदी अरब का। कुछ वर्ष पहले 2000 लगभग 16 से पहले की बात करें तो पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार सऊदी अरब में होते थे, लेकिन वर्तमान में वेनेजुएला में है, क्योंकि यहां पर जो पेट्रोल है उसके नए भंडारों का पता चला है। इसलिए यह जो है वेनेजुएला वो दुनिया में तेल के भंडारों की दृष्टि से पहले नंबर पे आ गया। और यहाँ पे खास करके एक बेसिन, एक नदी का क्षेत्र है जहां पे पेट्रोल के विशाल भंडारों का पता चला है। इस नदी का जो क्षेत्र है इसे मेंडलेना नदी जो कहते हैं, नदी बेसिन, मेंडलेना नदी बेसिन में यहाँ पेट्रोल के विशाल भंडार मिले हैं, जिसके कारण वेनेजुएला जो है वो लगभग 22% पेट्रोल के भंडार रखता है और दुनिया में पहला स्थान रखता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पीछे पूछा भी गया था कि दुनिया में पेट्रोल के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। मेंडलेना नदी का बेसिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेनेजुएला में किस क्षेत्र में पेट्रोल के नए भंडारों का पता चला है, तो वो है हमारा मेंडलेना बेसिन। इस क्षेत्र के अंदर जो है पेट्रोल, तो वेनेजुएला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडारों वाला देश, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात वाला देश, एंजल प्रपात भी यहीं पड़ता है, तो ये इंपोर्टेंट है। तो ये तो बात होगी पेट्रोलियम की, लोहे की, तांबे की, चांदी की। इस प्रकार से कुछ प्रमुख खनिज है जो कि इस महाद्वीप में ज्यादा पाए जाते हैं या अग्रणी देश है वो है, और बाकी जो है हम लोग किसी में चौथा नंबर पांचवा नंबर है वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग केवल जो है वो उच्च कैटेगरी की अगर हम बात करें कि दुनिया के टॉप दो, पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे अगर किसी खनिज के या किसी भी उत्पादन में आता है कोई देश, तो उसकी हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात होगी यहाँ पर खनिजों की, दक्षिण अमेरिका के खनिज या मिनरल्स। अब हम बात करते हैं कृषि की, कि दक्षिण अमेरिका में कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा देश है या किस फसल के उत्पादन में ज्यादा अग्रणी है वो अगर हम बात करें, तो यहां पर भी ब्राजील का स्थान आता है कि ब्राजील जो है वो कुछ फसलों के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी देश है। अब कृषि प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, कृषि की हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कॉफी की। कॉफी या कहवा, कॉफी की अगर हम बात करें तो ब्राजील का स्थान आता है। देखिए यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि कॉफी की या कहवा की दृष्टि से ब्राजील से सबसे ज्यादा प्रसन्न बनते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि ब्राजील में जो ब्राजील का पठार है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में कृषि जो है वो मुख्यतः कहवा की कृषि होती है ज्यादा। उसका कारण ये है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, ये भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र में इसी प्रकार की जो है वो मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट पाई जाती है, उपयुक्त जलवायु होने के कारण यहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि ब्राजील से संबंधित या कॉफी से संबंधित यहां से कौन से पर्सन बढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पहला बढ़ता है कि विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा या कॉफी पात्र किस देश को कहते हैं, तो वो है ब्राजील। विश्व का कहवा पात्र या कॉफी पात्र किसे कहते हैं, तो वो ब्राजील को कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बने कि कौन सा बनता है, विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो भी करता है ब्राजील।
सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील, विश्व का लगभग 30%, विश्व की कुल कॉफी या कहवा का लगभग 30% उत्पादन करता है ब्राजील देश। इसके बाद नेक्स्ट, यहां से जो इंपोर्टेंट है, यहां पे ब्राजील में कॉफी के जो फसल है इसके बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं, इनको यहां पर बोलते हैं फेजेंडा, कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, यहां पर इनको कॉफी के बागानों को फेजेंडा बोला जाता है। अब ये तो इसके बात होगी कि कॉफी से संबंधित उत्पादन कितना करता है, बागान क्या कहलाते हैं, या ब्राजील को किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व में एक इसका नगर है ब्राजील का, जिसको विश्व की कॉफी मंडी या विश्व की कहवा मंडी कहते हैं। उस नगर का नाम है साओ पोलो। साओ पोलो ब्राजील का एक नगर है, साओ पोलो। इसको विश्व की कॉफी या कहवा मंडी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है ये साओ पोलो। और साओ पोलो जो है, एक और यहां पे फैक्ट बता देता हूं साथ साथ, साओ पोलो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर कौन है, कौन सा नगर है, साओ पोलो है ब्राजील का। तो ये विश्व की कॉफी या कहवा मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है। यहां पर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, गेहूं के लिए सबसे बड़ी मंडी कहां है, शाबाश, विनिपेग, कहां है, कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, यह है सेंट लुइस, ये कहां है, यूएसए। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, ये कहां है, शिकागो, और शिकागो पड़ती है यूएसए। और विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पोलो कहां पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट है इससे संबंधित, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी। अब है विश्व की सबसे बड़ी कहवा बंदरगाह, या उसको बोलते हैं कॉफी पतन, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर कॉफी का लेन देन होता है, यानी कि जो भी कॉफी का उत्पादन होता है बड़े बड़े बागानों में फेजेंडास में, वो कॉफी जो है वो साओ पोलो नगर आ जाती है, यानी कि यहां पे खरीद ली जाती है व्यापारियों द्वारा। और फिर उसका जो कॉफी का निर्यात करता है ब्राजील, ब्राजील में कॉफी की खपत बहुत कम होती है, तो ये दूसरे देशों को यहां से भेजने के लिए साओ पोलो से या अन्य नगरों से अपने बंदरगाह भेज देता है। उस बंदरगाह से फिर दूसरे देशों को कॉफी भेजी जाती है, व्यापार किया जाता है, निर्यात करता है ये। तो वो जो एक बंदरगाह है, इसकी एक पतन है जो कि बड़ी प्रसिद्ध है। जैसे भारत में बाबा बुद्धन और कुदेरमुख की पहाड़ियों से जो लोहा आयस्क निकलता है उसको न्यू मैंगलोर बंदरगाह से कर्नाटक जो है वो ईरान और जापान को भेज देता है, इसी प्रकार से जो गोवा से जो लोहे का उत्पादन होता है वो गोवा की मारमेगांव बंदरगाह से दूसरे देशों को भेज दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील से, उसको एक बंदरगाह है यहां पर, इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस। क्या नाम है, सेंटोस पतन या बंदरगाह। जो कॉफी उत्पादन होता है और जो दूसरे देशों को भेजा जाता है वो सेंटोस बंदरगाह के रास्ते दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसलिए इस सेंटोस पतन को या सेंटोस बंदरगाह को विश्व की कॉफी पतन या कहवा पतन कहते हैं, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का कॉफी पतन किसे कहते हैं, तो सेंटोस को कहते हैं।
सबसे ज्यादा कॉफी के मतलब व्यापार के लिए निर्यात के लिए ही सेंटोस बंदरगाह जो है वो जानी जाती है, तो ये जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। कुछ बंदरगाहें जो होती है वो विशेष किस्म के निर्यात या विशेष किस्म के आयात के लिए जानी जाती है, जैसे भारत की कांडला बंदरगाह है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वो तेल के आयात के लिए प्रसिद्ध है, जो खाड़ी देशों से तेल आता है वो सबसे ज्यादा वहां आता है, इसलिए उसको आयात बंदरगाह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सेंटोस बंदरगाह है ब्राजील की, वो कॉफी के निर्यात के लिए जानी जाती है, तो वो इसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हॉलैंड या नीदरलैंड के अंदर एक बंदरगाह का नाम है एमस्टर्डम, एमस्टर्डम जो बंदरगाह है वो वहां वाइन के निर्यात के लिए, एमस्टर्डम यानी हॉलैंड के अंदर बडवाइजर की बीयर बनती और वो बीयर जो है उसके निर्यात के लिए एमस्टर्डम बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध है, तो वो उस एक विशेष मतलब प्रोडक्शन के निर्यात या आयात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से ब्राजील के कॉफी के निर्यात के लिए सेंटोस बंदरगाह प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, विश्व का कॉफी या कहवा पतन किसे कहते हैं, तो सेंटोस को कहते हैं। विश्व का कहवा नगर किसे कहते हैं, तो साओ पोलो को कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, साओ पोलो है। विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कहां है, कनाडा में है। विश्व की मक्के की सबसे बड़ी मंडी सेंट लुइस कहां है, यूएसए में है। विश्व की मांस मंडी सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो कहां पड़ती है, तो यूएसए में पड़ती है। और विश्व का कहवा पात्र या कॉफी पात्र, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, ब्राजील को कहते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कॉफी की खपत बहुत कम होती है, ये दुनिया को दूसरे देशों को निर्यात कर देता है, इसलिए इसे कहवा पात्र कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है 30%, और बड़े बड़े कॉफी के बागान जो यहाँ पर है वो फेजेंडा कहलाते हैं। तो ये तो बात होगी कॉफी की और कॉफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते हैं उनकी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली फसल की, कि और कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में दक्षिण अमेरिका के कुछ देश अग्रणी है, तो वो है गन्ना, शुगर। अब हम लोग बात करते हैं गन्ने की, कि गन्ने के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है और इस महाद्वीप का उसमें क्या स्थान है। नेक्स्ट है गन्ना, शुगर। गन्ने का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। गन्ने के उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर एक पर है ब्राजील और नंबर दो पर है भारत। विश्व में शुगर यानी कि गन्ने का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है, शुगर केन बोलते हैं सर इसको, गन्ना। विश्व में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील और भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद में गन्ने से चीनी बनती है यानी कि शुगर। गन्ने से चीनी जो बनती है, चीनी के उत्पादन में अगर हम बात करें तो चीनी के उत्पादन में भी ब्राजील नंबर एक पर है और नंबर दो पे कौन है, भारत है। गन्ने के उत्पादन में भी ब्राजील पहले नंबर पर है और चीनी के उत्पादन में भी ब्राजील क्या है, पहले नंबर पर है। तो इन दोनों में आपको ध्यान में रखना है कि गन्ना और चीनी के उत्पादन में दुनिया में ब्राजील पहले और भारत दूसरे स्थान पर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम लोग अन्य फसलों की बात करें तो ब्राजील में एक प्रसिद्ध फसल है कोको। कोको का हालांकि अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, आइवरी कोस्ट। इस कोको से बनती है चॉकलेट, चॉकलेट बनती है इससे, इसलिए आइवरी कोस्ट जो है वो तो जो कोको उत्पादन होता है लगभग 30-32% उत्पादन करता है, ये तो कोको जो है वो निर्यात कर देता है, लेकिन ब्राजील भी दुनिया के बड़े कोको उत्पादक देशों में आता है। ब्राजील जो है वो कोको से चॉकलेट बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज्यादा वैरायटी की चॉकलेट ब्राजील में मिलती है, यानी कि हम यूं कहें कि विश्व में उच्चतम क्वालिटी की सर्वाधिक चॉकलेट का उत्पादन करता है ब्राजील। और एक और फैक्ट है कि ब्राजील के 75% लोग चॉकलेट खाते हैं,
यह हम कहें चॉकलेट के शौकीन है। तो ये कोको के उत्पादन के कारण ही जो है वो ये सारा संभव है। तो कोको के उत्पादन में ब्राजील दुनिया के अग्रणी देशों में आता है, लेकिन अगर सबसे इंपोर्टेंट बात करें तो कोको से जो चॉकलेट बनती है उसके उत्पादन के लिए ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा अग्रणी देश है, और यहाँ के जो है अधिकांश लोग चॉकलेट का सेवन करते हैं, चॉकलेट खाते हैं। अब ये तो बात होगी कृषि से संबंधित, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया कि कृषि में कौन कौन सा देश ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो वो चाहे कॉफी की बात हो जाए, चाहे वो गन्ने की बात हो जाए, चाहे वो चीनी के उत्पादन की बात हो जाए, इस प्रकार से। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि जो पेरू देश है, यहां पर एक मछली का उत्पादन होता है जिसका नाम है एंकोबीज। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि एंकोबीज मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है। एक विश्व प्रसिद्ध मछली है जिसका नाम है एंकोबीज। पेरू जो है, ये जो देश है, यहां पर एक ठंडे जल की धारा आती है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक धारा यहां से होकर के बहती है, ठंडे जल की धारा है, इसे हम बोलते हैं पेरू की धारा, या इसे कहते हैं हम्बोल्ट की ठंडी धारा। ये जो धारा है, ठंडे जल की धारा जो है, ये जैसे ही जाकर के, और यहाँ पे गर्म तटीय पानी है या गर्म जो क्षेत्र है, यहां से जाकर के जब टकराती है तो गर्म और ठंडे जल का जहां पर मिलन होता है वहां पे कोहरा छा जाता है, और वहां पे मछली के लिए एक सबसे पौष्टिक आहार जिसको हम बोलते हैं प्लैंकटन घास, प्लैंकटन मछली का सबसे प्रिय पोषक तत्व होता है या पदार्थ होता ही है, या सबसे प्रिय घास होती है ये, तो यहां पर वो पाई जाती है, क्योंकि इस तटीय क्षेत्र में जैसे ये ठंडी जल धारा करके टकराती है तो कोहरा छा जाता है, और उस कोहरे में या इसके जो तट है यहाँ पर प्लैंकटन घास पाई जाती है, और वो मछलियों का सबसे प्रिय पोषक आहार होता है, इसीलिए यहाँ पर मछलियां बहुत पाई जाती है दुनिया में, जैसे चीन मछली उत्पादन में पहले नंबर पे, इसके बाद पेरू का स्थान आता है, और पेरू में खास करके जो मछली होती है वो एंकोबीज मछली जो है उसका उत्पादन किया जाता है। तो एंकोबीज मछली का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है पेरू, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक। तो मछली उत्पादन में भी क्या है, पेरू दुनिया के अग्रणी देशों में आता है, चीन के बाद पेरू का ही स्थान आता है, और इसमें ही एक पर्टिकुलर मछली की बात करें तो वो है एंकोबीज। तो इस प्रकार से ये तो इसकी बात होगी। तो यानी कि ये तो हम लोगों ने बात कर ली खनिज और कृषि की, अब हम लोग थोड़ा सा परिवहन का जिक्र कर लेते कि दक्षिण अमेरिका में परिवहन की दृष्टि से कौन सा परिवहन मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाद्वीप वाइज लंबे रेल मार्ग या लंबे सड़क मार्ग पूछे जाते हैं, जैसा कि पीछे के एग्जाम का इतिहास रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी सड़क मार्ग और सबसे लंबे रेल मार्ग की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इंपोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं केवल वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर हम लोग लंबी सड़क की बात करें तो वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि उत्तर अमेरिका से एक सड़क इस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसका नाम है ट्रांस अमेरिकन, सॉरी पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग जो है वो विश्व की सबसे लंबी सड़क है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 48,000 किलोमीटर है। पैन अमेरिकन हाईवे या पैन अमेरिकन महामार्ग, यह उत्तर अमेरिका में अलास्का से चल करके पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप को क्रॉस करता हुआ, फिर दक्षिण अमेरिका को पूरे को क्रॉस करता हुआ और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट तक जाता है। पैन अमेरिकन हाईवे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों को जोड़ता है, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक रेल मार्ग की, जो इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि चिली की जो राजधानी है, चिली का एक यहां पर एक नगर है वालपरेजो, वालपरेजो एक नगर का नाम है वालपरेजो,
वालपरे जो कहां पड़ता है? चिल्ली में। वालपरेजो से एक सड़क, एक रेल मार्ग जाता है जो कि एंडीज पर्वत को पार करके जाता है। और यह जाता है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयरस। यह चिली में वालपरेजो नगर नगर को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस से जोड़ता है। और इसको बोला जाता है, या इस जो ये जो रेल मार्ग है इसका नाम है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग की लंबाई है 1450 किलोमीटर। यह चिली में वालपरेजो नगर को अर्जेंटीना में ब्यूनस आयरस नगर से जोड़ता है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता यह है कि ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग का क्या नाम है? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। अब देखिए ये जो पर्वत है यहां पे इस प्रकार से, इसका नाम है एंडीज पर्वत। और यह जो रेल मार्ग है वो एंडीज पर्वत को पार करके जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, पार एंडियन रेल मार्ग कह सकते हैं, क्योंकि एंडीज पर्वत को पार करके जाता है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है इस पर्वत को पार करके इस रेल मार्ग को बिछाना, इसलिए यह चुनौतीपूर्ण रेल मार्ग भी है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग भी है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा सड़क मार्ग पूछ ले तो पैन अमेरिकन हाईवे या महामार्ग, और अगर इसका रेल मार्ग पूछ ले तो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। तो महाद्वीप वाइज लंबे रेल मार्ग जो है वो पूछे जाते हैं। मैं यहां पर फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि महाद्वीप वाइज अगर लंबे रेल मार्ग पूछे तो आप लोगों को अलग अलग महाद्वीपों के या तो मिलान करने का क्वेश्चन पूछ सकता है, या जो है वो सीधे ही दे करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है हमें कि यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलवे। यह है यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है और रूस में पड़ता है, कंप्लीटली एक ही देश में पड़ता है। अगर हम बात करें इसके बाद अफ्रीका की, तो उसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर हम बात करें उत्तर अमेरिका की, तो उसका नाम है ट्रांस कैनेडियन या कैनेडियन पैसिफिक, ऐसे बोल सकते हैं इसका ही नाम है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। यह उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग। इसके बाद है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये महाद्वीप वाइज आप लोगों को ध्यान में रखना, पांच मैंने यहां पर लिख दिया। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो फ्रांस में पेरिस को, तुर्की में इस्तांबुल से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में पड़ता है। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। केप काहिरा रेल मार्ग मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से जोड़ता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा में पड़ता है, कनाडा के पूर्वी तट में सेंट जॉन्स को पश्चिमी तट से जोड़ता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से जो है वो पर्थ के बीच में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इस प्रकार से इस महाद्वीप के अगर हम परिवहन की बात करें तो ये जो है वो इसके सड़क मार्ग और रेल मार्गों की बात होगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा यहां तक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खनिज, प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन और इसके परिवहन के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।